महादेव हरि और हर की आराधना हम कर सकें ठीक से बढ़िया तरह से, उसके लिए आरोग्यता की सो रहे आरोग्यता की उसमें जरूरत है, निरोगता की जरूरत है। तो ये तीन कमियों की वजह से व्यक्ति बीमार हो जाएगा। श्लोक बोल के बात कर रहा हूँ, आहारो मैथुनम निद्रा सिव्या नाति ही रुगण भवेत। उसमें सबसे पहला है आहार, भोजन, भोजन की शुद्धि। आप आटा गूंथते हैं तो उसमें पानी को हल्का कुनकुना कर लिया करें तो पानी के कीट समाप्त हो जाए। हल्का सा कुनकुना कर लें पानी को, थोड़ा सा गर्म करते समय उसमें थोड़ा नमक डाल लें। पहले ये माताएं भोजन बनाती थी तो थोड़ा राम रस डालती थी आटे में, जिससे पेट के कीड़े मर जाते थे। अभी भी डालते हैं पता नहीं। गेहूं में मिठासता है, डायबिटीज के मरीजों को ये प्रभावित करता है, इसलिए उसमें थोड़ा ज्वार का आटा या थोड़ा चने का आटा, चने का आटा यदि आटे में मिला करके आप लेते रहेंगे जीवन में जॉइंटिस नहीं हो सकता, जिसको पीलिया कहते हैं। और यदि किसी को धोखे से भी पीलिया हो जाए तो उसका असर लीवर के ऊपर जरूर होता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है जॉइंटिस, पीलिया। वो पांडु जी महाराज को था यह रोग, पांडवों के जो पिता है ना पांडु, पांडु का अर्थ ही होता है पीलापन। तो ये मालवा में तो चना बहुत होता है, बहुत होता है इधर। मैं तो सबके ही लिए बोलूँगा, थोड़ा सा आटा चने का गेहूं के आटे में गूंथ करके और हल्का कुनकुना पानी करके थोड़ा उसमें रामरस नमक डालकर फिर आटे को आप मारिए। थोड़ा दूध डाल करके भी आप आटे को गूंथ सकते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक रोटी सूखेगी नहीं। घी नहीं डालें उसमें, तेल नहीं डालें, क्योंकि इतनी चिकनी रोटी है वो आंतों से चिपक जाएगी फिर। तो बातें तो मेरे पास हजार हैं बोलने के लिए, लेकिन मेरी यात्रा आज की बहुत लंबी है। तो एक लंबी उम्र जीने के लिए और निरोगी रहने के लिए सबसे पहली बात है आहार, अपना भोजन ठीक करें, उसको शुद्ध। और ये माताओं का दायित्व है, आपके हाथ में। बाजारू खाने वाले लोग तो बीमारी धरे रहते हैं, घर का खाइए, शुद्ध खाइए, भगवान का भोग लगाकर गौ माता को चंदिया दे करके फिर लीजिए। अगली बात कहिए, मैथुनम निद्रा सेव्या नाति रुग भवे। अगला सूत्र बता है मैथुन, पति और पत्नी का संबंध एक संतान खानदान को देने के लिए। कीड़े मकोड़ों की तरह भोगी बने रहे, क्या जीवन है। इससे तो पशु ज्यादा ठीक है, पशुओं का भी कोई टाइम समय होता है, लेकिन आदमी इतना कुकर्मी हो गया है, उसने तो घरवाली को पत्नी को वासना का खिलौना समझ रखा है। यह दोनों के दोनों धर्म की बैलगाड़ी के ये दो वृषभ हैं। पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान का भजन करें। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को भी बच्चे हो गए, नाते हो गए हैं बड़े बड़े, और ये अभी कीटाणु बन करके जी रहे हैं। अभी इनको अपना 25 साल का समय याद आ रहा है। चाशनी चाटने के लिए एक टाइम होता है, जलेबी खाने के लिए। और ढलती हुई उम्र में जलेबी खाते रहोगे तो लोटा लेके फिर लेट बाथरूम में बैठे रहोगे। इसलिए मैथुनम संयम। एक साधु जिस ब्रह्मचर्य के साथ जीवन का निर्वहन करता है, ऐसा जीवन। अब कुछ बातें ऐसी हैं मैं खुले मंच से नहीं बोल सकता। इस शरीर में 7 धातुएं हैं और एक धातु इसमें ऐसी है जिस धातु के द्वारा एक दूसरा शरीर बन के तैयार हो जाता है। और उस धातु को आज हमने खाया पिया है तो 90 दिन में वो धातु बन के तैयार होती है। कुकर्मी लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं, 10 बीघा में फूल लगाए जाएं, उसका इत्र निकाल करके किसी पोखरिया में फेंक दिया जावे, वो कितनी बड़ी गलती है। भ्रष्ट लोग जिनको संयम नहीं है, कुकर्मी लोग ऐसे ही गलती करने में लगे हुए हैं। आज पता ही नहीं लगता कि बच्चे कब जवान हैं कब बूढ़े हैं। सुनिए इधर ध्यान दें, कब बच्चे जवान हुए कब बूढ़े हुए। 16-17 वर्ष के उम्र में निचुड़े हुए नींबू की तरह कहते हैं, महाराज जी चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा इनकी
इनकी बिल्कुल पैंपनी जैसा मुंह तो देख लो इनका, कितना बढ़िया लिखा, आहारो मैथुनम निद्रा सेव्या नाति रुग्ण भवेत। जो व्यक्ति संयमी नहीं है, जिसने अपनी सप्तम धातु का संरक्षण नहीं किया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो लोग धरती से जल्दी हट जाएंगे, जल्दी मौत के मुंह में पहुंच जाएंगे। मरघट तो उनका इंतजार ही करता है, जो कुकर्मी है। जिसका बचपन बिगड़ा है उनकी जवानी बिगड़ेगी, जिनकी युवा अवस्था बिगड़ी है उनकी वृद्धावस्था जरूर बिगड़ेगी। धरती पर बहुत बड़ी बड़ी शक्ति है, लेकिन सप्तम धातु का संरक्षण करना इससे बड़ी शक्ति नहीं है। लंका हनुमान जी ने नहीं, लंका हनुमंत लाल जी के ब्रह्मचर्य ने जला करके राख कर दी। संयम होना चाहिए। हमारे देश में और विदेशियों में यही तो अंतर है। मैं 2006 में परदेश की कहीं किसी जगह पर था, किसी शहर में था, कुछ देखने के लिए जा रहे थे मेरे साथ दिल्ली से कौन थे भाई वीरेंद्र अग्रवाल। मैंने उनको कुछ बोला, मैंने कहा, वहां खड़े होके कहा, मैंने कहा परमात्मा मुझे एक बार दर्शन सामने दे दे, मेरी आंख में आंसू आ गए थे। मैंने कहा मैं भगवान से यही मांगूंगा, प्रभु और कुछ मन देना, भारत की धरती पर जन्म दे देना, मेरा भारत जैसा तो कहीं नहीं था। तो चौराहे पर खड़े होकर के उनको लाज नहीं, शर्म नहीं किसी भी प्रकार। अपने देश में तो बहुत मान मर्यादा है, आज भी है, इसलिए परमात्मा का हर अवतार यहां होता है। आज कितना भी कलयुग भयंकर नाच रहा हो, फिर भी बेटा बेटी सबको कुछ, फिर भी मान शर्म लाज इज्जत फिर भी है, ये सब और देशों में नहीं रहा। पूरी दुनिया को मल साफ करना तो भारत ने सिखाया, वो तो लैट्रिन करने के बाद, टॉयलेट करने के बाद वो कागज से पहुंच के फेंक देते थे। पानी से साफ करना भारत ने सिखाया, इसलिए भारत धर्म गुरु है। पूरी दुनिया को क्या नहीं दिया भारत ने, दुनिया को मसाले भारत ने दिए। महात्मा बाग भट्ट भारत में हुए हैं, जिन्होंने मसालों की खोज करी। लोगों को पता नहीं था कि सब्जी में हल्दी नमक और धनिया ये सब चीजें डाली जाती हैं, कुछ नहीं पता था, लेकिन धन्य है ये महापुरुष जिसने पूरी दुनिया को आविष्कार मसाले का करके दे दिया। कहा अपनी रसोई में ये मसाले रखो, तुम निरोगी रहोगे। ये देन भारत की है। पूरी दुनिया को गणित भारत ने दिया, पूरी दुनिया को शल्य चिकित्सा ऑपरेशन, इस पूरी दुनिया का पहला ऑपरेशन भारत में हुआ, जिसे सर्जरी बोलता, शल्य चिकित्सा भारत ने दी। भारत में संत महापुरुषों का जो अन्वेषण है वो बड़ा वंदनीय है, इसलिए हम अपने साधुओं से, उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। मैं कहना चाहूँगा अपनी बुराई कर लेना, लेकिन संत महापुरुषों की कभी बुराई मत करना। इन्होंने हमें जीवन दिया है, वो अपने लिए जीवन नहीं जिए, उन्होंने अन्वेषण खोज करते हुए सब कुछ हमारे और आपके लिए तैयार किया। उन्हीं के कुछ सूत्र में, उन्हीं की कथाएं, मैं गेट बंद करके सुबह में आपसे मिल नहीं पाता, क्योंकि फिर तो टाइम मिलता नहीं है। थोड़ा सुबह में नित्य स्वाध्याय करता हूं, और इसलिए नहीं करता हूं कि मैं आपको कुछ ज्यादा ठीक सा सुना दूं। अब तो मुझे यह लगता है कि भगवान की व्यासपीठ पर बैठूंगा तो मेरे मुंह से अच्छा ही निकलेगा, कुछ गड़बड़ निकलेगा ही नहीं। फिर भी मैं एक अच्छा सा जीवन जीने के लिए ग्रंथों का स्वाध्याय करता हूं। आज बुधवार की जो कथा है वो कैसे तीन सूत्रों से आरंभ हो रही है। इन तीन को व्यक्ति जीत ले तो रुग्ण नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, उसे बुखार भी नहीं आएगा। बुखार क्यों आता है बार बार? कमजोर व्यक्ति को बुखार आता है, जिसके शरीर में कमजोरी है उसे फीवर आता है। जैसे कमजोरी नहीं होगी उसको बुखार नहीं आएगा। जिस चक्कर किसको आएंगे? जो कमजोर है उसको चक्कर आएंगे, आंख में अंधेरा होगा, हाँपनी किसकी खुलेगी? जिसका फेफड़ा कमजोर है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब है कि आप जीवन जीने में त्रुटि कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, उसको ठीक से जीने की कोशिश कीजिए। पहला है आहार, तो दूसरा है मैथुन।
अनुष्ठानिक व्यक्ति को, साधना जीने वाले व्यक्ति को लोगों से चिपक करके नहीं, लोगों से हट करके रहना चाहिए, क्योंकि पाप पांच जगह से होते हैं, छठवीं जगह नहीं है अपराध के लिए, पांच जगह से अपराध होता है, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, ये पांच जगह। एक सुंदर रूप देखती हैं आंखें, पाप कर डालती हैं। आज विज्ञान का योग है, आपके मोबाइल में बहुत कुछ भरा पड़ा है, आपके मोबाइल में इतना भी कुछ बढ़िया इसमें भरा हुआ है जिसे बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, और इस मोबाइल में ऐसा भी भरा पड़ा है कि 10 घंटे में हमारे प्राण जा सकते हैं। हमें किस चीज का चुनाव करना है ये तो हमारे ऊपर है। बाजार में तो सब कुछ बिकता है, बाजार में सब चीज बिकती है, लेकिन जो होशियार लोग हैं वो सल्फास खरीदने को नहीं जाते, जो होशियार लोग हैं परमात्मा की प्रकृति में सब कुछ है, हमें काय का चुनाव करना है ये हम सोचें। व्यक्ति को बलिष्ठ तंदुरुस्त और संयमी होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने 10 महीना ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर लिया है, लात मार के मंजिल गिरा देगा। 10 महीने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाले स्त्री पुरुष संतान को जन्म देते हैं, उसकी कोख में या महात्मा आएगा या परमात्मा आएगा, कुकर्मुत्ता जन्म नहीं लेंगे। लेकिन आज यह शक्ति छीण हो रही है, इसलिए बढ़िया सी संतान का जन्म ही नहीं हो पा रहा, उसके दोषी माता पिता। हमने तो लखन लाल के चरित्र में पढ़ा है, एक बार राम जी ने लक्ष्मण की परीक्षा ले डाली। सुनो, एक मिनट में सुना रहा हूं। वो वन में थे, सीता माई तो साथ में थी ही, राम ने विचार किया कि थोड़ा लक्ष्मण को परखूं। परखना क्या था, वो तो जगत को संदेश देना था। राम जी ने कहा, लखन मैं थोड़ा महात्माओं से मिलने को जा रहा हूं, सीता का ख्याल रखना। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, राम चले गए, और चले के आ गए, तोता बन के आ गए, तोता बन के और उसी डाली पर बैठ गए। मेरी भाषा बुरी तो नहीं लग रही आप किसी को? हाँ, मैं गैर दूसरा लगा दूंगा फिर, लेकिन कुछ बातें वर्तमान समय के लिए जरूरी है, तो मुझ जैसे लोगों को बोलने की जरूरत है। मैं शुद्ध हूं इसलिए बोलने की हिम्मत रखता हूं, लिपा पोता होता तो बिल्कुल नहीं बोल पाता यहां से। तो प्रभु श्री राम जी तोता बनकर के, सुनिए, तोता बनकर के आए और उस डाली पर आकर के बैठ गए। सुनिए, वृक्ष के नीचे लखन लाल और माता जानकी दोनों बैठे हुए थे। तो राम जी क्या बोले, ए लखन, तोता बोला। लखन, लक्ष्मण ने देखा तोते की तरफ, अरे तोता बोलता है। तोते ने कहा, हमारे एक प्रश्न का जवाब दो। बोलिए। फलम दृष्टा पुष्पम दृष्टा नारी दृष्टा बचा। यानी उस तोते ने कहा, अकेले में खिलता हुआ फूल दिखाई दे जाए तो क्या उसको छूने का मन नहीं करेगा, उसको सूंघने का मन नहीं करेगा तोड़ के? अकेले में पका हुआ फल दिखाई दे जाए तो क्या उस फल को तोड़ने का मन नहीं करेगा? अकेले में युवा नारी मिल जाए तो क्या उसको छूने का मन नहीं करेगा? वो तोते ने लखन को ऐसा बोला। लखन ने कहा, सुख तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखना, जिसका पिता हो संयमी और जिसकी मां हो पतिव्रता, दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाला लखन कभी आपकी कही गई बातों के ऊपर भटक नहीं सकता। जय जयकार राम जी ने किया, तोते में से प्रभु राम प्रकट हुए और लक्ष्मण को अपने गले से लगा लिया। ऐसे ही लोग ब्रह्मांड सुंदरी विश्व सुंदरी सुपर्णखा को जीत सकते हैं, और इन्हीं संदर्भ में इन कथाओं का वर्णन किया गया। इसलिए अपने चरित्र को संभालना, संयमित जीवन जीना
उपहार में एक लंबी आयु प्राप्त करना है, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हो। इंद्रियों के ऊपर संयम होना चाहिए। जो बिगड़ा है, कुकर्मी है, इंद्रियां जिसके बस में नहीं है उसको दशमुख कहते हैं, और इंद्रियों को जिसने अपने बस में किया उसको दशरथ कहते हैं। भले ही ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है, इंद्रियां बस में नहीं होंगी तो उसके यहां तो राक्षस ही पैदा होंगे, और जिसने इंद्रियों को अपने बस में किया है उसके यहां भगवान प्रकट हो गया के राम आएंगे, धर्म रूपी भरत, चार पुरुषार्थ उसके घर के आकर के बेटा बन जाए। इसलिए आहारो में थुनम निद्रा सेव्यानाति रुग भवे। लोग बीमारियों को अपने पास बुला रहे, खान पान बिगाड़ दिया है, संयम नहीं है। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, पति के बढ़िया कार्य में माताओं को सहयोग करना चाहिए, और ये माताएं धर्म पूजा व्रत इत्यादि करती हैं तो पति को इनका सहयोग करना चाहिए। ये सहयोग तो करते नहीं, अपना मुंह फुला लेंगे और कहेंगे तुझे इतने ही व्रत करना था तो तूने शादी क्यों करी, अपने बाप को बोल देती मीरा बन जाती जाके, ये बोल देते। और पति का मतलब होता है जो पत्नी को पतित नहीं होने देता, उसे ही तो पति कहते हैं। आज तो व्याख्या ही कुछ विपरीत हो रही है। वर्तमान समय में पुरुषों से ज्यादा अंकलन किया जाए तो माताएं धार्मिक है। जितना भी पूजा पाठ, संयमित जीवन जीना, व्रत उपवास करना, चातुर्मास चौमासा करना, जमीन में सोना और हर चीज का परहेज कर लेना माताएं सहज में कर लेती हैं, लेकिन पुरुष नहीं कर पा रहे। पुरुषों को चाहिए कि मातृशक्ति का वो सहयोग करें इस कार्य में। जिस देश में नर और मादा, स्त्री और पुरुष, जहां दोनों संयमित हुए हैं वहां विलक्षण संतान ने उस देश में जन्म लिया है हमेशा हमेशा से। आज पूजा में नहीं बैठ पाते, घुटने दर्द करते हैं, कमर दर्द करती है, क्यों करती है? क्योंकि जवानी ठीक से नहीं निकाली, बचपना ठीक से नहीं निकला। लोग कहते हैं कि भाग्य में संतान नहीं थी इसलिए संतान नहीं। मैं बड़ा आश्चर्य मानता हूं, इतना नारियल व्यासपीठ से दिया जाता है, ये कहीं त्रुटि है जीवन जीने में, ये कहीं गलती है जीवन जीने में, चाहे वो स्त्री की गलती चाहे पुरुष की गलती, और उस गलती की वजह से भी संतान का अभाव है। युवा पीढ़ी को चाहिए कि ये त्रुटियां या गलतियां ना करें। मैंने याज्ञवल्क्य की स्मृति इन 27 महीने में आपको सुनाई है, जिसमें मैंने यह भी बोला है कि पति और पत्नी बच्चों को जन्म देने से पहले 10 महीने का संयम रखकर जमीन में सो के एक बार भोजन करके, दिया जला करके, जप करके, गोपाल बीज मंत्र का जप करके, और ये संतान को जन्म देते हैं, उसके घर में परमात्मा जैसी संतान आकर के जन्म लेती है। यह मैंने याज्ञवल्क्य की स्मृति से सुनाया था। ये अच्छे अच्छे महात्मा ये आकाश से नहीं टपके, इनको जन्म देने वाली कोई माता ही रही है, उनका संयमित जीवन था इसलिए उन्होंने अद्भुत संतान को जन्म दिया। केसर हर जगह नहीं होती, कश्मीर में होती है, और ये अच्छी संतान भी हर कोख से जन्म नहीं लेती, कोई संयमित जीवन होता है उसके यहाँ, ये ऐसी संतानें चल के आती है। तो यहां बड़ी सुंदर बात कही है, भगवान की साधना के लिए व्यक्ति को तीन बातों की आवाज बढ़ा दो भाई। व्यक्ति को साधना के लिए तीन बातों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। आहारो में थुनम निद्रा सेव्याना तिरुग भवे। मैंने इस देश में ऐसे भी लोगों को देखा है, एक दो बच्चे को जन्म देने के बाद में उसका पति पत्नी का संबंध रहा ही नहीं, दोनों साधक बन गए, घर गृहस्थी में रहते हुए। ऐसे ही परिवार में अभी मैं कुछ दिनों पहले पानीपत में था,
बोलते हैं, हम अपने गुरुजी के सत्संग में गए थे तो गुरुदेव ने व्यासपीठ से एक ऐसी बात कह दी पूरे श्रोताओं को, और वह बात हमारे हृदय में लग गई। हम और पति और पत्नी 2002 से लेकर आज 2022 तक हम पति और पत्नी के संबंध में नहीं रहे। हम दोनों साधना करते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत आनंद में, हम भी बहुत आनंद में हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है बिल्कुल। हमारे गुरु महाराज ने सबसे बड़ा मंत्र तो ये दे दिया है हमें, ये होना चाहिए। संतान वंश वृद्धि के लिए ठीक है, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे सजग हैं, समझदार हैं, और संसार का सुख दाद खाज खुजली की तरह है, और जिसमें आदमी मरता जा रहा है, भोगी बना है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे निचुड़ा हुआ आम, गुठली है, फेंकने के लायक है और क्या है, ऐसा ही हो रहा है। संयमी बने, फिर देखो भजन में मन लगता है कि नहीं, आलस्य रहेगा ही नहीं, प्रमाण नहीं रहेगा। आप 24 घंटे में से 24 घंटा काम कर सकते हैं, थकान नहीं होगी, हैरानी नहीं होगी, इससे बड़ी शक्ति नहीं है कोई। तो कामाधीना श्रियो राम तदर्थम रत्न संग्रह, प्रभु श्री राम जी ने उस स्त्री को जीत लिया जो काम के अधीन थी, सुपर्ण का। पूरी दुनिया में राम को विजय मिल गई, ये राम का संयम था। मेघनाद को पछाड़ना साधारण बात नहीं थी, जो 14 वर्ष पत्नी को मिला नहीं, उस लक्ष्मण के द्वारा उस मेघनाद को जीता गया। एक लक्ष्मण और मेघनाद की ही घटना नहीं है, पूरे संसार की कथा है। वह लोग संपूर्ण धरती के ऊपर राज्य करते हैं जिन्होंने संयम के साथ में अपने जीवन को आगे के लिए बढ़ाया है, जिसने जोश में होश नहीं खो बैठा, ऐसा जीवन जिया जाए। तीसरी बात कही, निद्रा सेव्या नाति रुग्ण भवेत, जो दिन में सोएंगे 100% वो बीमार हो जाएंगे। दिन में सोने से हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है, दिन में सोने से धातुओं का पतन होता है। रात सोने के लिए है, जिसको रात को नींद पूरी होती है वो लंबी उम्र जी के जाते हैं। कमरे में जितना गहरा अंधेरा होगा उतनी ही गहरी नींद आएगी। रात को छोटा बल्ब भी मत जलाओ, बिल्कुल एकदम सुमसाम अंधेरा। जितना कमरे में गहरा अंधेरा होगा उतनी ही आप बढ़िया नींद से आप सो सकते हैं। सोते समय अपने पामों को आप उत्तर दिशा में कीजिए, मस्तिष्क को दक्षिण दिशा में कीजिए, देखना कैसी गहरी नींद आती है। दक्षिण में मस्तिष्क करके और उत्तर में पाम करके सोने से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। मैं तो जिस ग्रंथ की बात होगी मैं छटाक से फटाक से उस ग्रंथ का नाम ले देता हूं, और पश्चिम में मुख करने से, मस्तिष्क पश्चिम में और पाम पूरब में करने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क बढ़ता है उससे। भूल करके भी दक्षिण में पाम करके कोई एक आध दिन के लिए आप गए हैं वहां सो जाए तो बात अलग है, उसका कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो एक सुचारू रूप से आपने अपना बिस्तरा लगाया और आप दक्षिण की तरफ पाम करके सोते हैं, तो ग्रंथों में लिखा है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो भी संशय नहीं करना चाहिए। दक्षिण में पाम करने से मस्तिष्क में, मस्तिष्क करने से ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है और हार्ट अटैक जैसी तमाम बीमारियाँ अपना धावा बोल सकती हैं। मंदिर बार बार बदला नहीं जाता, और जो आपका बिस्तरा है, बेड है, उसको हर महीने में 1.5-2 महीने में उसको थोड़ा चेंज करते रहिए, बदलते रहिए।
कभी पूर्व से पश्चिम कर लो, कभी पश्चिम से पूर्व कर लो, कभी दक्षिण से उत्तर कर लो, पर उत्तर से दक्षिण मत करो। बात आ रही है समझ में? ये सब चीजें बड़ी लाभकारी है, प्रभावशाली हैं। कोशिश कीजिए दिन में सोने की आदत न रहे। भोजन के बाद 10-20 मिनट आप लेट जाते हैं वो बात अलग है, नहीं ऐसा थोड़ी ही होता है कि आप टीवी भी देख रहे हैं लेटे लेटे, पापड़ भी खा रहे हैं लेटे लेटे, सब कुछ पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं तो लेटे लेटे, इसलिए बूढ़े हो रहे हो जल्दी, सब लेटे ही हो रहा, इसलिए आपकी कमर दुख जाती है। बिस्तर पर तो सोने के ही समय पर जाइए, ऐसा नियम बना लो। आपके पेट में भोजन पचेगा नहीं तो निद्रा ज्यादा आएगी, आप झूठे मुंह रहेंगे तो भी निद्रा ज्यादा आएगी, उबासियां आएंगी, सुरसा की तरह मुंह खुला रह जाएगा, नींद रात को पूरी नहीं होगी तो भी दिन में नींद आएगी, बिल्कुल आएगी। आप कुछ तामसी ले लेंगे तो नींद आएगी। लहसुन प्याज को क्यों साधकों ने मना कर दिया था? क्योंकि उसमें तामसी प्रवृत्ति है, इसलिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो खा लिया तो पहाड़ गिर गया ऊपर, वो जमीन में होती है, बस उसके लिए इसलिए विरोध कर दिया था कि साधक साधना में सो न जाए, बस ये बात थी उसकी। तो मैं तीन बात यहां से आपको निवेदन कर रहा हूं। एक है आहारो मैथुनम निद्रा सेव्या नाति ही रुगड़ भवेत, ये तीन चीजें व्यक्ति को रुगड़ कर देती हैं। एक उसका भोजन ठीक नहीं होगा तो, एक दूसरा संसारी संबंधों में अपनी इंद्रियों का धातुओं का पतन कर रहा होगा वो, और तीसरा जो अधिक सो रहा होगा जरूरत से ज्यादा, या सो नहीं रहा होगा। निद्रा, निद्रा रात में पूरी कीजिए। और गुरु गीता में भगवान शंकर ने एक ऐसी अच्छी बात कही जो मुझे बहुत भाई, मुझे भगवान शंकर की बात इतनी अच्छी लगी। वो कहते हैं, हे पार्वती, कोई व्यक्ति नाटक भले ही करे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, भोलेनाथ कहते हैं, जो चढ़ते सूर्य में सूर्य निकल के बाहर आ गया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, उस समय वो सोते रहते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वो स्त्री पुरुष जीवन में कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, संयमी नहीं हो सकते। ये भगवान शंकर के शब्द हैं। हे देवी, उनकी साधना सार्थक नहीं हो सकती, उनका पूजा में मन नहीं लग सकता, उनके पास चिड़चिड़ापन आ जाएगा, काम करने में उनका मन नहीं लगेगा, वो लोगों से ठीक से बात नहीं करेंगे, वो झिलमिला जाएंगे, वो क्रोध करेंगे, उनका स्वभाव लड़ाकू हो जाएगा, लड़ने वाला हो जाएगा, जो सूर्य उदय के बाद बिस्तर पर पड़े रहेंगे। ये गुरु गीता में भगवान शंकर पार्वती को सुनाए। इसलिए तो हम लोगों को गुरुकुल में जल्दी जागना सिखाया, सूर्य उपस्थान के मंत्र, गायत्री मंत्र, संध्या करना, ये सब चीजें हमारे मन मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करती हैं, हमारे संयम को, हमारी साधना को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। महात्मा लोगों को गुरुकुल में उनको खड़ाऊँ, चट्टी, लंगोटी, लंबे केस, दर्पण ना देखना, ये सब चीज़ें बताई जाती, नाखून काट के रखना, लंबे नाखून भोगियों के होते हैं, याद रखना, नाखून, लंबा नाखून हमारे चरित्र का हनन कर देता है, हमारे चरित्र का पतन कर देता है, इसलिए जो चीज काटने के लायक है उसे काटे, जो रखाने के लायक है उसको रखाए, लेकिन होता उल्टा है, खपरा से होते हैं लंबे लंबे नाखून। मुझे पाम छुआने से बड़ा भय लगता है, क्योंकि मेरे पाम कई बार घायल हो गए, इसलिए ऐसी फैशन किस काम की है। इतने ग्रंथ इन महापुरुषों ने कितनी मेहनत की होगी इन ग्रंथों के शोध में, उसको हम समझें, उसको हम माने। तो आज तीन बातों से आज की कथा को मैंने आरंभ किया है। आहारो मैथुनम निद्रा सेव्या नाति ही रुग्ण भवेत, यदि रुग्ण होने से बचना है तो अपने भोजन को सुधारिए, संयमी बनिए, और तीसरी बात कही है कि निद्रा को जीतिए, रात में ही नींद को पूरा करें।
समय से, आप 10 से पहले सो जाएंगे, गारंटी के साथ आप 4 से पहले जग जाएंगे। क्या जैसे कुछ देर तक मोबाइल को चार्जर पर लगा देते हैं तो वो 100% 100% चार्ज हो गया। व्यक्ति कितना भी मेहनती हो, 7 घंटे में उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। 7 घंटे में, 7 घंटे में पूरी नींद, 7 घंटा सो करके वो 24 घंटा काम कर लेता है। लेकिन वो 10 बजे तक 7 घंटा पूरा हो तो रुगड़ बन जाएंगे। सूर्य उदित हो उससे 1.5 घंटे पहले तक आपकी 6-7 घंटे की नींद पूरी हो जाए। सूर्य देवता 7 बजे निकलते हैं तो 5:30 बजे तक बिस्तर छोड़ दो, 6 बजे निकलते हैं तो 4:30 तक बिस्तर छोड़ दो। फिर आप देखो अपना डेवलपमेंट देखिए, अपनी ऊंचाई देखिए, अपने जीवन का आनंद देखिए, बहुत आनंद हो जाएगा। आज मैं पुनः आपको कुछ विशेष शिवलिंगों की बात करने वाला हूँ, जिसमें कौन सा शिवलिंग और उसकी पूजा का अपने आप में कितना बड़ा प्रभाव है, और यह आप आज विस्तार पूर्वक ये आप सुनिएगा। और ये कथा तो पूरी कागज पर लिखने के लायक है, एक एक सूत्र इसका बहुत बड़ा अद्भुत है। एक ऐसी पंक्तियां मैं आपके बीच में रख रहा हूं जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम है, और कौन से शिवलिंग के द्वारा कितना बड़ा प्रभाव है, वो क्या देते हैं हमें। श्री शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा की गई है, और हर ज्योतिर्लिंग हमें कुछ न कुछ दे रहा है। आइए वो पंक्तियां कथा तो मैं विस्तार पूर्वक से पुराण से सुनाऊंगा ही, तो इस भजन के माध्यम से हम एक बार 12 शिवलिंगों का नाम उच्चारण कर लेते हैं। सृष्टि के शिव शंकर आधार, बहुत प्यारी पंक्तियां। एक बात बताओ, आप मुझे कथा सुनाऊं तुम्हें और तालियां बजाने के लिए बुलाऊं रतलाम से, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, शिव से शक्ति शिव से भक्ति, शिव से शक्ति शिव से भक्ति, शिव से है मुक्ति द्वार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, शिव से शक्ति शिव से भक्ति, शिव से शक्ति शिव से भक्ति, शिव से है मुक्ति द्वार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। चलते हैं भगवान विश्वनाथ के दरबार में, आप विश्वनाथ का शंकर शिव से भक्ति शिव से शक्ति, शिव से शक्ति शिव से भक्ति, शिव से है मुक्ति द्वार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। शिव से
शक्ति शिव से भक्ति शिव से मुक्ति द्वार सृष्टि के शंकर दिया आधार सृष्टि के शिव शंकर आधार श्री त्र्यंबकेश्वर द्वितीय शिव वैभव साधना त्रिनागेश्वरीपुरी करते भक्त की हर मनोकामना त्रिनागेश्वरीपुरी करते भक्त की हर मनोकामना श्री रामेश्वर भगवान जी राम सा गुण दिखते हैं कृष्णेश्वर बाबा जी रोग सब हर लेते हैं श्री कृष्णेश्वर बाबा जी रोग सब हर लेते हैं देते हैं भक्तों को महादेव देते हैं भक्तों को महादेव शिव सुख का संसार सृष्टि के शिव शंकर आधार सृष्टि के शिव शंकर आधार शिव से शक्ति शिव से भक्ति शिव से शक्ति शिव से भक्ति शिव से मुक्ति द्वार सृष्टि के शिव शंकर आधार 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 शिव से शक्ति शिव से भक्ति शिव से शक्ति शिव से भक्ति शिव से है मुक्ति द्वार सृष्टि के शिव शंकर आधार 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 महाने बोलिए शंकर भगवान की जय महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय आके आनंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आइए भगवान महादेव जिसकी पिंडी का पूजन होता है और कल भी मैंने निवेदन किया है शंकर भगवान का महारुद्राभिषेक करने से व्यक्ति मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। धरती की ऐसी कोई संपदा नहीं है ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त ना हो सके। इसके दरबार में हर चीज मिलती है पूर्व में भी चाहे मनुष्य देवता दैत्य कोई भी रहे हो ये शंकर के आह्वान के लिए पहुंचे और भोलेनाथ ने जिसको दिया जिसके ऊपर शिव ने कृपा करी वो माला माल हो गया। भगवान भोलेनाथ सबको अपनी कृपा देना चाहते हैं लेकिन संसार का भोगी व्यक्ति संसार की वस्तुएं मांगता है उसे शिव की कृपा में शंकर की जरूरत नहीं है उसे संसार के भोग चाहिए। एक बार भोलेनाथ और परम्बा दोनों घूमते हुए निकले इस मृत्यु लोक में। बड़ी सुंदर बात है सुनिए। तो एक बेटा अपने माता पिता के साथ एक चौराहे पर बैठा था तीनों भूखे थे जिनको कुछ खाने को मिला नहीं। तो पार्वती माता को बड़ी दया आई और माँ भगवती जगदम्बा ने कहा भोलेनाथ
ये बेचारे तीनों बड़े दुखी हैं और आपके होते हुए दुखी हैं, इनको अपनी कृपा दे दो। शंकर जी ने कहा ये काय के तुम चक्कर में पड़ते हो, चलो हमें आगे निकलना है, ये तो दुनिया है, कोई रोएगी कोई गाएगी, का नहीं नहीं ये बहुत दुखी है, इनको आपको देना ही पड़ेगा, माताओं का भाव तो वात्सल्य का होता ही है। शंकर जी ने कहा मैं तो बहुत बढ़िया देना चाहता हूँ लेकिन ये लोग मांगना जानते नहीं है, ऊट पटांग मांगेंगे इसलिए आगे चलते हैं। मैया ने कहा रे ये रोटी मांगेंगे, रहने को मकान मांगेंगे या आपकी कृपा मांगेंगे, ये सद्विचार मांगेंगे, ये अपना जीवन का आनंद मांगेंगे। शंकर जी ने कहा तो देख लेते हैं क्या मांगेंगे। सो भोले बाबा उन तीनों के पास पहुंच गए, जगदम्बा को साथ में लिया और ऐसा दिव्य भेष बनाया, कहा तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे वही हम दे देंगे। सो उस पुरुष ने कहा कि नहीं मेरी घरवाली मांगेगी, घरवाली ने कहा नहीं मेरा बेटा मांगेगा, बेटा ने कहा नहीं मम्मी पापा मांगेंगे, मैं तो सबके बाद में मांगूंगा। और आखिर में निर्णय लिया गया कि उस गृहिणी ने मांगा, क्या मांगा, शंकर जी ने कहा मांगो और विचार के मांगना, माला माल हो जाओगे और जो तुम मांगोगे हम वही दे देंगे। तो नारी कहने लगी अच्छा ऐसी बात है, तो हमें इतना सौंदर्य दे दो कि हम जैसी सुंदर नारी इस मृत्यु लोक में कोई दूसरी ना हो। शंकर जी ने कहा दिया, दे दिया, अब सुंदर बन गई, मिनटों में सुंदर बन गई। इतने में एक राजा वहां से शिकार खेलता हुआ निकला और उसने ऐसी सुंदर नारी पहले तो कहीं देखी नहीं थी, तो वो उठाकर और घोड़े पर बिठा करके उसको लेके चला गया। और उसका जो आदमी था वो देखता रह गया। शंकर जी ने कहा तू भी मांग ले, तुझे क्या चाहिए, तेरी घरवाली का तो वरदान पूरा हो गया, सुंदर बन भी गई और चली भी गई, अब तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। उसने कहा कि जब मैं गरीब था और ये कुरूप थी तो मेरे संग में थी और सुंदर बनते ही मुझे छोड़कर राजा के पास चली गई, तो मुझे मांगे ये दे दो वो जहां भी बैठी हो वहीं सुअरिया बन जाए। तो राजा के बगल में बैठी थी सिंहासन पर और शंकर जी ने जैसे ही कहा कि दिया तो तत्काल सुअरिया बन गई। राजा ने एक लात मारी, सुअरिया तू कहां से आई, सो धड़ाम से सिंहासन के नीचे गिरी। अब बच्चे का नंबर आया, महादेव ने बेटे को कहा बेटा तेरे मम्मी पापा तो माता पिता तो मांग नहीं पाए कुछ भी, लेकिन तू संभल करके मांगना। तो उस बेटे ने क्या मांगा, बेटे ने कहा प्रभु हमें वरदान दे दो हमारी माँ पहले जैसी थी वैसी ही बन जाए। शंकर जी ने कहा पार्वती देखा तीनों ने मांगा लेकिन मिला कुछ भी नहीं, संसार की वस्तुएं कंकड़ पत्थर भोग और विलास मांगोगे तो साधना तपस्या ऐसे ही बेकार है जैसे इन तीनों ने मांगा, हाथ कुछ भी नहीं लगा। पूजा पाठ करके भजन करके जो मांगा जा रहा है संसार की वस्तुएं, ये हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, होशियारी इसी में ही है। भगवान से मांगना है तो भगवान से भगवान को मांग लीजिए, सब ठीक हो जाए। परमात्मा को कहिए भगवान हम जैसे तो आपके बहुत हैं लेकिन हमारे जैसे आप ही हैं, हमारे लिए आप ही अकेले हैं, हे प्रभु कृपा कर दीजिए, आप हमें अपना बना लीजिए। उनसे है मांगी, आपके पास जो भी कुछ है वो सब भगवान का मानो, नकली आरती मत गाओ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सच में जो है उसको भगवान का मानिए, जीवन आनंद में भर जाएगा। नित्य भगवत आराधना के साथ जीवन जीने की कोशिश करें। परमात्मा बड़े भुलक्कण हैं, पहले कितने अपराध हुए हैं हो जाने दीजिए, आस उधर जाइए, पीछे जो हुआ है उसके ऊपर भगवान ध्यान ही नहीं देगा। आज पांडाल में कह दीजिए अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई, अब गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ईश्वर नंबर भुलक्कड़ एक नंबर का, पीछे का वो कुछ याद ही नहीं करता, लेकिन शर्त यह है द्वारा गलती ना। वो कहता है कि मेरी शरण में आ जा, भले ही दुनिया के पाप तुझे लगे हों, मेरी शरण में आ गया है तो तू पापों से मुक्त। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगत जे ही लागा। पूरी धरती को समाप्त करने का पाप किसी को लग गया हो, वह भी भगवान की शरण में आ जाता है तो परमात्मा उसको कभी ठुकराते नहीं।
ईश्वर इतने बड़े दयालु हैं, वो लोग कैसे हैं जो ऐसे भगवान को छोड़कर इधर उधर भटक गए हैं। भगवान की शरण लीजिए, इनसे खासम खास हमारा और आपका कोई नहीं हो सकता। दुर्योधन के पास बहुत बड़ी फौज थी, 18 अक्षौणी सेना थी दुर्योधन के पास, और ऐसे ऐसे वीर थे जो पांडवों के पास में नहीं थे, ना इतनी बड़ी सेना थी पांडवों के पास, लेकिन फिर भी पांडवों ने दुर्योधन को जीत लिया, उसको किसी काम का नहीं छोड़ा। कारण एक ही था, मैंने कभी आपको सुनाया होगा, कल से युद्ध होने वाला था, युधिष्ठिर के खेमे में आज ही विषाद पैदा हो गया। दुर्योधन की 11 अक्षौणी सेना देख के, पांडवों के पास 7 थी, उसके पास 11 थी, पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य बड़े बड़े महारथी थे, उधर युद्ध जीतना बड़ा मुश्किल था, सब खामोश बैठे हुए थे। सुनिए, इतने में भगवान श्री कृष्ण आए, सबने खड़े होकर स्वागत किया, कन्हैया को बैठने को जगह दी, लेकिन सबके चेहरे पर सुस्ती छाई हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, केशव यह युद्ध कैसे जीता जाएगा, उधर पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, और कभी वो सूत पुत्र भी तो आएगा कर्ण युद्ध करने के लिए, युद्ध कैसे जीता जाएगा, कुल गुरु है उधर। सन्नाटा छाया था इतनी बड़ी अपार सेना देख के। तब इनका अनुज खड़ा हुआ, सहदेव, जो सबसे छोटे हैं। सहदेव की बात मुझे इतनी अच्छी लगी, और मेरा बड़ा फेवरेट पात्र है महाभारत का सहदेव, ये वही सहदेव है जब पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के लिए जा रहे थे, जब द्रौपदी ने माता कुंती को प्रणाम किया, माँ कुंती ने द्रौपदी को अपने कंठ से लगा करके और छाती के एक भाग में सहदेव को चिपका करके कहा था, मेरा आदेश है द्रौपदी, मेरे सहदेव का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे अपने 5 पुत्रों में सहदेव मुझे ज्यादा प्यारा है। छोटा है ना, बड़ा बेटा पापा को प्रिय होता है, छोटा वाला माँ को बड़ा प्रिय होता है, हम जैसे बीच वाले तो भगवान को ही प्रिय होते हैं भैया, बीच वालों को कौन चाहे दुनिया में, दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका भगवान। सहदेव छोटा, तो सहदेव खड़े हुए, सहदेव धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया और कहा, भैया आप मन हल्का मत कीजिए, आप हृदय छोटा मत कीजिए, इस युद्ध में विजय हमें मिलेगी। भीम ने कहा, चलाया कहीं बना, चल बैठ, विजय मिलेगी। तो ये पता है उधर कितने बड़े बड़े वीर हैं, योद्धा हैं। सहदेव ने कहा, मजले भैया मुझे पता है उधर बहुत बड़े बड़े वीर हैं, लेकिन जो एक हमारे पास है वो भैया दुर्योधन के पास नहीं है। अर्जुन ने पूछा, सहदेव क्या है अपने पास जो दुर्योधन के पास नहीं है। सहदेव रो पड़े, द्वारकाधीश की तरफ अपना मुंह किया और सहदेव ने कहा, भैया हमारे पास द्वारकानाथ हैं जो दुर्योधन के पास नहीं है, इसलिए इस युद्ध में विजय हमें मिलेगी। पूरी दुनिया आपके साथ हो, यदि भगवान नहीं है कुछ भी नहीं है, और हमारे पास कुछ भी ना हो यदि परमात्मा है हमारे पास, तो हमारे पास सब कुछ है। और युद्ध से पहले द्वारका में अर्जुन ने कहा भी था, भगवान कहा था, प्रभु मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे द्वारका का नारायण चाहिए, नारायणी सेना लेकर के यदि मुझे इस युद्ध में विजय भी मिल जाए तो उसको मैं अपनी पराजय समझूंगा, और नारायण को पाकर के
यदि मुझे परारे भी मिल जाए तो उसको मैं अपनी विजय समझूंगा। हमें भगवान चाहिए, हमें परमात्मा की आवश्यकता है। तो मैं भगवान महाकाल की पवित्र व्यासपीठ से सभी भक्तों को आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत। आप छोटे छोटे कामों में भगवान की पूजा छोड़ देते हैं। सहेली के यहां गीत गा रहे थे, सुबह ही जाना था, आप भगवान की पूजा छोड़ गए। पूजा कैसे छूट गई? बच्चे को बस पकड़ाने के लिए गए थे, इसलिए रोटी तो नहीं छूटी, बस पकड़ाने में कॉफी चाय नहीं छूटी। पूजा जरूर छूटती है, और कुछ नहीं छूटता, सब चलता है, लेकिन भगवान की पूजा, भगवान का भजन छूटता है। और ये बहुत बड़ी गाफिलियत है, भगवान की पूजा ना छूटे। और हमारा मानवीय जीवन जीना तभी सार्थक है जब तक हम भगवान की आराधना का आनंद लेते रहे। आइए, आप भगवान शिव की महापिंडियों की बात सुन रहे हैं। नवरत्न के शिवलिंग अलग अलग चीजें देते हैं। नौ रत्न क्या क्या होते हैं इस सबको पता भी नहीं होगा। नौ रत्न लिख ले, नवरत्न। वैसे भी पत्थर नौ रत्न का अपनी पूजा में हो तो भी ग्रहों की प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। ये नवरत्न क्या क्या है, ग्रंथ में इसका वर्णन है। लिखा है मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम मध्ये लिंगम महाद्रव्यम निक्षेप्य वैदिके संपूज लिंगम सध्यादि पंचस्थान यथा क्रमम अगनौ च उत्पा बहुधा हविसास कुलम चमा। बड़े प्यारे श्लोक है। नवरत्नों में सबसे पहला रत्न है, उसका नाम है मोती। दूसरा है माणिक। तीसरा है वैदूर्य। चौथा है गोमेद। पांचवा है हीरा। छठवा है मूंगा। सातवा है पद्मराग। आठवा है पन्ना। और नौवा है नीलम। इसको कहते हैं नवरत्न। शिव महापुराण में नौ रत्नों का वर्णन है नाम। इन नौ रत्नों के भी शिवलिंग बनते हैं। सबसे पहला कौन सा है? मोती। जो मोती का जो शिवलिंग है वो तत्काल शांति देता, मानसिक शांति देता। बाजार में बहुत मिलता है मोती का शिवलिंग। नर्मदेश्वर तो रखिए ही, उससे तो अलग होना ही नहीं है। यदि घर में कोई बहुत क्रोध करता है, क्रोध में बेहोश हो जाता है और इतना चिड़चिड़ापन होता है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे घर के बाहर के लिए बड़े बढ़िया होते हैं लेकिन घर में आते ही धूम धड़ाका, इतनी गर्जना करेंगे, इतना क्रोध करेंगे कि इन्हें संभालना मुश्किल होता है। घर की परम शांति के लिए मोती का शिवलिंग बड़ा अद्भुत है। नंदी कार्तिकेय को सुना रहे हैं ये कथा। मोती के शिवलिंग बड़े अद्भुत हैं अपने आप, उनकी महिमा का वर्णन किया। मोती की माला भी आती है, उसको मानसिक शांति के लिए पहना जाता है। सद पूर्णिमा की रात्रि को गैया के कच्चे दूध में डाल दिया जाता है इसको, फिर दूसरे दिन उसको जल गंगा जल में उसको साफ सुथरा करके, फिर कभी रवि पुख में आ जाए या रवि गुरु में वो बृहस्पति को पुख नक्षत्र पड़ जाए या रविवार को पुख नक्षत्र पड़ जाए या आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, तो उस समय में इस माला को धारण करने की बड़ी महिमा। तो ये मैं आपको मोती की बात बता रहा हूं। फिर है माणिक्य। पत्थर आता है, स्टोन आता है, ये चीजें बड़ी महंगी आती हैं। माणिक्य के जो शिवलिंग हैं इनके ऊपर अभिषेक करने से यश की प्राप्ति होती है, व्यक्ति का बहुत आदर बढ़ जाता है, बहुत मान बढ़ता है।
यश प्राप्ति के लिए माणिक्य का शिवलिंग बहुत प्रभावशाली है। माणिक्य बड़ी लंबाई, बड़ी इसका प्रभाव है। उसके बाद में एक वैदूर्य, नवरत्न में से वैदूर्य। आप यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हों जिन्होंने 84 कोस यात्रा हमारे संग करी हो, ब्रज 84 कोस यात्रा आपने की है, तो यदि आपने दर्शन किए हों तो हम चौथे दिन केदारनाथ बद्रीनाथ के जब दर्शन करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है डीग। डीग के किले में एक हनुमान जी का दर्शन किए हैं, आपको ध्यान हो, बजरंगबली हनुमान जी का दर्शन किए हैं डीग किले में। वो वैदुर्य पत्थर के हनुमान जी बने, पूरा का पूरा वो हनुमान का विग्रह, हनुमान जी का विग्रह वैदुर्य का है। बहुत महंगा स्टोन आता है, पूरी की पूरी बड़ी प्रतिमा बनी है। किस किस ने दर्शन किए हैं डीग वाले किले के 84 कोस यात्रा में ही? हाँ, किले के अंदर जाते हैं तो दर्शन किए हैं, वैदुर्य है वो। इसमें वर्णन है कि जो वैदुर्य के शंकर जी को पूजता है, वैदुर्य के शंकर जी, इनकी पूजा करने से, लिंगार्चन करने से व्यक्ति की बहुत लंबी आयु हो जाती है, वो बहुत लंबी उम्र जी करके जाता है। इतना ताली बजाना मत, नजर लग जाएगी। तो हम 84 कोस यात्रा में ऐसी ऐसी जगहों का दर्शन कराते हैं जहां कोई लेके ही नहीं जाता। वो हनुमान जी किले में बैठे हैं और खड़े हैं किले में, वो वैदुर्य स्टोन के हैं, बहुत पुराने, हजारों साल पुरानी प्रतिमा है वो। तो किसी महारानी को हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे, फिर उसने उनकी स्थापना कराई थी। बहुत समय ज्यादा हो गया है। तो वैदुर्य एक ऐसा स्टोन है, एक ऐसा पत्थर है, उनके शिवलिंग हाथ में लग जाए तो उनके ऊपर अभिषेक करने से, रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति की बहुत लंबी उम्र बढ़ जाती है, बहुत लंबी आयु। ये नवरत्नों में से वैदुर्य है, बहुत लंबी उम्र जी के जाता है। ये वैदुर्य के शिवलिंग का इतना बड़ा प्रभाव है। एक है मूंगा, मूंगा, मूंगा का रंग थोड़ा लाल सा होता है। मूंगा, मूंगा का अर्थ ये मन समझ लेना जिसका रंग मूंग जैसा हो। मूंग तो हरी होती है, ये थोड़ा लाल सा होता है। और मूंगा के यदि शंकर जी मिल जाएं तो व्यक्ति बहुत बड़ा जमींदार हो जाता है। जो जमीन का क्रय और विक्रय करते हैं, खरीदारी और बेचने का काम करते हैं, जो प्लॉटिंग व्लॉटिंग का काम करते हैं, वो लोग मूंगा के शंकर जी का नित्य अभिषेक करते हैं। हर चीज की एक अपनी आप में बड़ी महिमा है। और ऐसे भगवान शंकर हैं विविध धातु में, जिनका प्रभाव अपना अलग हो जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति किसी का मामा बन जाता है तो उसका वहां प्रभाव अलग होता है। एक ही व्यक्ति किसी का, क्या बोल दूंगा, पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं, पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं, हाँ, जब वो बन जाए तब उसका अपना प्रभाव एक अलग होता है। कभी फूफा बन जाए, मौसा बन जाए, भगवान शंकर भी जब विविध धातुओं में अपने आप को बदल लेते हैं तब तब उनका अपना एक अलग प्रभाव हो जाता है। भगवान शिव, शंकर जी की जो पिंडी है वह जब मूंगा की होती है तो वह जमीन का बहुत बड़ा मालिक बना देती है। जमीन के क्रय विक्रय में बड़ा प्रभावशाली है मूंगा के।